नमस्कार, बीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दीपाली सैयद के विरोध में बरडी पुलिस थाने में कराई गई शिकायत दर्ज, भाजपा महिला मोर्चा द्वारा की गई कार्रवाई की मांग। अनिल परब की किरीट सोमैया पर प्रतिक्रिया, अनिल परब ने कहा कि किरीट सोमैया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। और गोंदिया में सामूहिक मुस्लिम निकाह समारोह का आयोजन, अब तक कमेटी द्वारा करवाई गई 435 शादियां। अब खबरें विस्तार से। 26 मई 2022 को सोशल मीडिया के जरिए दीपाली सैयद ने नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र शब्दों में उनका अपमान किया था, इसलिए आज भाजपा महिला मोर्चा की ओर से बरड़ी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और दीपाली सैयद पर कार्रवाई की मांग भी इस वक्त की गई। शिवसेना नेता दीपाली सैयद ने प्रधानमंत्री को लुच्छा कहा है। हमारे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा अपमानजनक बयान देना एक गंभीर और दंडनीय अपराध है। शिवसेना पार्टी के नेताओं से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मामले में अक्सर अभद्र भाषा में बयान दिए जाते हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में शिवराल भाषा में राज्य या देश के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को संबोधित करना हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ऐसा कहते हुए नागपुर शहर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा दीपाली सैयद के विरोध में बरडी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई और भाजपा महिला पदाधिकारियों द्वारा उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से अभिनेत्री दीपाली सैयद के खिलाफ एक एप्लीकेशन दिया है उन्होंने, वो एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी उसके बारे में जो कानूनी प्रक्रिया है या जो भी लीगल ओपिनियन है वो हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। शहर के बरडी पुलिस स्टेशन में हमने शिवसेना की हीरोइन, शिवसेना की नेता, शिवसेना की कार्यकर्ता जो बेताल वक्तव्य करती है पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी के विरोध में, पंतप्रधान को गाली देने का प्रयत्न किया है। मीडिया में आप सबने देखा होगा कि उन्होंने लुच्चा शब्द यूज किया है। उनके विरोध में बरडी पुलिस स्टेशन में हमने आज FIR दर्ज करने के लिए यहाँ पहुंची पूरी महिला मोर्चा की टीम है। आप सबको मालूम है कि इसके पहले भी उन्होंने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के विरोध में एक वक्तव्य किया था, उसके बाद में देवेंद्र भाई फडणवीस और उनके पत्नी अमृता वहिनी के बारे में भी उन्होंने किया था। अमृता वहिनी का इस से क्या संबंध है और उसको ये सब बोलने का किसने अधिकार दिया हुआ है? आपको मालूम है कि आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तो हमारी डिमांड पूरी होनी चाहिए। यहाँ के जो PI है सबनी साहब, उन्होंने हमारा निवेदन लिया है पर हमारी FIR दर्ज होना चाहिए करके हम यहाँ खड़े हैं सुबह 11 बजे से। हमारी FIR वो दर्ज कर नहीं ले रहे, क्यों नहीं कर रहे और क्यों इसको छोड़ा जा रहा है और क्यों सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को जेल में डालते हो, उनको शिक्षा देते हो? इसको भी शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि इसने भी देशद्रोह किया है, क्योंकि इसने भी एक शब्द ऐसा अपने पंतप्रधान के बारे में लुच्चा बोलने की जरूरत की है। ये सब बहुत गलत है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हैं और इसका FIR यहाँ पे होना चाहिए। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। खापरखेड़ा थाना क्षेत्र के बाबुलघेड़ा गांव में एक चोरी का मामला सामने आया है। कुछ चोरों ने न्यायाधीश के फार्म हाउस में लूटपाट की। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि बाकी आरोपियों की जांच जारी है। नागपुर जिले के खापरखेड़ा थाना क्षेत्र के बाबुलखेड़ा गांव में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के फार्म हाउस में लुटेरों ने लूटपाट की। फार्म हाउस के बुजुर्ग नौकर अनंत रहनदाले से 8 से 10 लुटेरों के गिरोह ने हाथ पैर बांधकर उनकी जमकर पिटाई की। लूट की पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को इस बात की जानकारी थी कि फार्म हाउस के घर में बेसमेंट है और वहां काफी बड़ी संपत्ति है, लेकिन हकीकत में आरोपी के हाथों कुछ नहीं लगा। इस मामले में नागपुर ग्रामीण पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। परिवहन मंत्री अनिल परब ने शिवाई नामक पहली इलेक्ट्रॉनिक बस के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि महाराष्ट्र राज्य परिवहन बोर्ड ने अपनी वर्षगांठ के अवसर पर शिवाई नाम की पहली इलेक्ट्रिक बस जारी की है। इस माह के अंत तक पहले चरण में सरकारी योजना से 150 बसें आ जाएंगी और इसके बाद करीब 3000 बसों की योजना बनाई गई है।
नगर 1 जूनला सुटली होती, आज तेथूनच आज महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने पहिली इलेक्ट्रिक बस शिवाई नावाने सोडलेली आहे. एकंदर राज्याचा पर्यावरणाचा विचार करता हळूहळू एसटीने इलेक्ट्रिक बसेस जास्तीत जास्त घेण्याचा आणि इलेक्ट्रिक बसेस जास्तीत जास्त वापरण्याचा पर्याय निवडलेला आहे. त्याची सुरुवात आजपासून झालेली आहे. मला असं वाटतं की हळूहळू हा सगळा जो आमचा आराखडा आहे इलेक्ट्रिक बसेस वाढवण्याचा, त्याचा आता आम्ही सुरुवात केलेली आहे, त्याचं नियोजन केलेलं आहे, त्याचं काम सुरू झालेलं आहे. परंतु आजचा मुहूर्त साधत, या वर्धापन दिनाचा मुहूर्त साधत, आम्ही आज पहिली बस शिवाई नावाने सोडलेली आहे. पहिल्या आत्ता ह्या महिन्याअखेर म्हणजे ह्या 1.5 महिन्याअखेर 150 बसेस पहिल्या टप्प्यात सरकारी योजनेतनं येतील आणि त्यानंतर साधारण ह्या वर्षभरात आम्ही 3000 बसेसचं नियोजन केलेलं आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब ने किरीट सोमैया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं आज तक किरीट सोमैया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं. मैंने आज तक उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया है. जिन एजेंसियों के पास यह शिकायत करने का अधिकार है, हम उन अधिकारियों के सवालों का जवाब दे रहे हैं जो हमसे सवाल पूछते हैं. लेकिन यह सब नौटंकी पिछले 1 साल से चल रही है और मैं इसका जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ. ऐसी प्रतिक्रिया अनिल परब ने इस समय दी. उत्तर द्यायला बांधील नाही. आजपर्यंत मी त्याला कुठलंही उत्तर दिलेलं नाही. ज्या एजन्सीज, ज्या अथॉरिटीज आहेत, ज्यांच्याकडे त्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार आहे, त्या अधिकारामध्ये जे अधिकारी आम्हाला प्रश्न विचारतायत त्यांची उत्तरं आम्ही देतोय. परंतु ही सगळी नौटंकी गेले वर्षभर चालू आहे आणि त्याला उत्तर देण्याला मी बांधील नाही. जे काय त्याचे आरोप असतील त्यांनी त्या यंत्रणेकडे करावे, यंत्रणेने आमची चौकशी करावी आणि त्याच्यातनं सत्य काय ते बाहेर येईल. बुद्धिबळ आहे, कोण कसा डाव खेळतं ते डावाच्या अंती कळतं, त्यामुळे यावर आत्ता बोलणं योग्य राहणार नाही. बघू लढाईत काय होतं ते. धन्यवाद. हुडकेश्वर थाना की ओर से चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस ने चोरी और सेंधमारी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 1 आरोपी नाबालिग है और उसके नाम पर कलमेश्वर थाने में मर्डर का गुनाह दर्ज है. यह आरोपी भंगार का व्यवसाय करते थे, दिन में घरों की रेकी कर रात में चोरी को अंजाम देते थे. पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जाँच में जुट गई है. हुडकेश्वर थाना द्वारा पिछले कुछ दिनों से DG ऑफिस के द्वारा और CP के निर्देशानुसार पुलिस कार्रवाई कर रही थी, जिसमें आरोपियों को चेक किया जा रहा था, जिसमें आरोपी मिलने पर वह जिस परिस्थिति में पाए गए उसके आधार पर उन पर गुनाह दाखिल किया जा रहा था. इस मुहिम के चलते हर्ष भुजाड़े नामक एक व्यक्ति शस्त्रों के साथ पाया गया, जिस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की थी, जिसमें प्राप्त हुई जानकारी में पता चला कि आरोपी के साथ उसके 2 और अन्य साथी थे जो पिछले 1 महीने से हुडकेश्वर पुलिस थानांतर्गत परिसर में चोरी और घरों में सेंध लगाते थे. इतना ही नहीं, उन्होंने रॉबरी जैसे गुनाह को भी अंजाम दिया था. उसमें से 1 रॉबरी का गुना और 6 सेंधमारी की घटनाएं पुलिस ने डिटेक्ट की है. आरोपियों से जब्त की गई वस्तुओं में पुलिस को 1 कैमरा, 2 मोबाइल, 1 ग्राम सोने का मंगलसूत्र और चांदी की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई है. मुख्य आरोपी हर्ष भुजाड़े के नाम पहले से कोई गुना दर्ज नहीं था, लेकिन साहिल पठान नामक उसके दूसरे साथी के नाम कलमेश्वर थाना में मर्डर का गुना दर्ज किया गया था. वह पहले भी 7 महीने की सजा काट चुका है और वह भंगार का व्यवसाय करता है. भंगार के काम के लिए घूमते घूमते वह घरों की रेकी करता था और शाम को सभी साथी मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे. साहिल पठान नाबालिग है, लेकिन उसका इन सारे आरोपों में सक्रिय सहभाग रह चुका है. पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है. मागील काही दिवसांमध्ये DG ऑफिसच्या मार्फतने आणि CP सरांनी दिलेल्या निर्देशांवर आपण कारवाई करत होतो, ज्याच्यामध्ये आपण गुन्हेगारांना चेक करत होतो आणि ते मिळून आल्यास किंवा ते ज्या परिस्थितीमध्ये मिळून आलं त्यानुसार आपण गुन्हे दाखल करत होतो. त्या दरम्यान आपल्याला 1 आरोपी शस्त्रासह मिळून आला. त्याचं नाव होतं हर्ष भुजाडे. तर तो हर्ष शस्त्रासह मिळून आला म्हणून आपण 3 दिवसापूर्वी त्याच्यावर आर्म्स ॲक्टची कारवाई केली होती. त्यानंतर त्याची चौकशी केल्यानंतर मला ही माहिती मिळाली की ते 3 जण साथीदार होते, जे मागल्या 1 महिन्यापासून पोलीस स्टेशन हुडकेश्वरच्या हद्दीमध्ये चोरी आणि घरफोडीचे गुन्हे करत होते आणि त्यांनी 1 रॉबरीचा पण गुन्हा केलेला होता. तर त्यामधला रॉबरीचा गुन्हा आणि 6 घरफोडीचे गुन्हे आम्ही डिटेक्ट केलेले आहेत.
आणि त्याच्यामध्ये आम्हाला कॅमेरा मिळालेला आहे, दोन मोबाईल मिळालेले आहेत, 1 ग्राम सोन्याचं मंगळसूत्र मिळालेलं आहे आणि चांदीचे जेवढे आयटम्स होते लहान मुलांचे गेलेले ते सगळे आयटम्स आम्ही रिकवर केलेले आहेत. हर्ष भुजळेला 4/25 अटक केल्यानंतर हर्ष भुजळेचा दुसरा असा पूर्वीचा कुठला रेकॉर्ड नाही मिळाला, पण त्याच्यासोबतचा जो दुसरा आरोपी नंतर आम्ही निष्पन्न केलेला होता तो होता साहिल पठाण. तो ॲक्च्युली कळमेश्वरच्या पोलीस स्टेशनच्या याच्यामध्ये त्याच्यावर मर्डरचा गुन्हा दाखल होता आणि तो 7 महिन्याची सजा कापून आलेला होता आणि त्याचा स्वतःचा भंगारचा व्यवसाय आहे. तर तो सकाळी भंगारच्या कामानिमित्त बाहेर निघतो आणि रेकी करतो की कुठल्या घरांना कुलूप लागलेलं आहे, कुठल्या घरांमध्ये घरफोडी करणं शक्य आहे, आणि मग हे संध्याकाळी कुठेतरी भेटतात आणि मग ते मिळून त्यानुसार कारवाई करतात. हा नाबालिक खरं म्हणजे खूपच लहान आहे, पण तो या कामामध्ये खूप ॲक्टिव्ह आहे आणि त्याचा पण या सगळ्या चोऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये सहभाग आहे. आणि चोऱ्या गेल्यानंतर पैसे घेऊन तो मुंबईला गेलेला आहे आणि त्यांनी पूर्ण पैसे पण खर्च केलेले आहेत. म्हणजे तो आहे नाबालिक, पण याच्यामध्ये हे लक्षात येतं की त्याचा पण खूप सक्रिय सहभाग आहे. नाबालिकपेक्षा तो बराच लहान आहे, म्हणजे बघताना आपल्याला असं वाटू शकत नाही की हा आरोपी असू शकतो किंवा कसं म्हणून, पण तो आरोपी आहे आणि अगदी ड्रेडेड क्रिमिनलच्या सारखं त्याचं काम आहे. इतर गुन्ह्यांच्या संदर्भातही आम्ही तपास करतो आहे आणि अजूनही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. आम्ही वारंवार सगळ्यांना सांगतो आहे, परत आम्ही सगळ्यांना अपील करू इच्छितो की 24 तासांहून अधिक काळ तुम्ही बाहेरगावी किंवा बाहेर ठिकाणी जात असल्यास पोलीस स्टेशनला माहिती द्या. आपल्या आसपास भंगार किंवा मोलकर्णी किंवा फेरीवाले येतात, त्यांच्याकडे लक्ष ठेवा, त्यांची माहिती घ्या. तुम्हाला काही संशयित वाटल्यास आम्हाला त्याबद्दल माहिती द्या. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. Love you, दीपिका. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhi Nagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. बाद आप सभी का फिर से स्वागत है. कल्याण में एक मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया और भाग गए. यह घटना डोंबिवली के पास घारेवली गांव में हुई. मानपाड़ा पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है. डोंबिवली के पास घारेवली गांव में मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने की घटना घटी, जबकि यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और इलाके में दहशत का माहौल है. डोंबिवली के पास घारेवली गांव निवासी करसन सीताराम पाटिल रोज की तरह मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था. गणपति मंदिर के पास पहुंचते ही दो व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और मोटरसाइकिल के पीछे बैठे आरोपी ने पाटिल के पास आते ही हमला कर दिया. सौभाग्य से वह बच निकला. यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.
पाटिल द्वारा मनपाड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। हालांकि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव संतोष केने ने मांग की कि पुलिस को इसकी गंभीरता को देखते हुए संज्ञेय अपराध दर्ज करना चाहिए। घरफोडीचं प्रमाण फार अतिशय मोठ्या प्रमाणात वाढलेलं आहे, त्यामुळे नागरिक आणि व्यापारी त्रस्त झालेले आहेत। आता आपण पाहिलं असेल कालचा प्रकरण आहे की प्रीमियरच्या बाजूने घारीवलीला जाताना एका करसन पाटील यांच्या नावावर चालत असताना त्यांच्या मोटरसायकलने त्यांच्या अंगावर एक वार खेचल्यासारखा एक प्रकार घडलेला आहे। त्याची एनसी मानपाडा पोलीस स्टेशनमध्ये दिलेली आहे, त्याची फोटोग्राफी पाहिली आम्ही आणि त्याचा व्हिडिओ सुद्धा आपल्याकडे उपलब्ध आहे। हे प्रकार वाढत असताना किराणा माळ्याच्या दुकानाचं किराणा लुटत असताना तुपाचे डबे सुद्धा लुटले जातात। म्हणजे आपण पाहिलं मेडिकलच्या दुकानामधून सुद्धा काही वस्तू महागड्या असतील ते औषधं आणि गल्ला लुटला जातो। व्यापारी त्रस्त झालेले आहेत, घरफोड्या वाढलेल्या आहेत, त्यामुळे मी माननीय गृहमंत्री यांच्याकडे धाव घेतली होती, त्यांना निवेदन प्राप्त केलं होतं। सतीश पाटील साहेबांनी परिमंडल 3 DCP ते पत्र देण्यासाठी मी स्वतः गेलो आणि त्यांच्याकडे ते सादर केलं आणि त्यांना एवढंच म्हटलेलं त्याच्यामध्ये का हा जो भाव वाढलेला भयभीत झालेले आहेत नागरिक आणि व्यापारी त्याच्यामध्ये लवकरच तोडगा काढला पाहिजे आणि नागरिकांना व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला पाहिजे। यासाठी आपण बैठकीचं नियोजन करून त्यांच्याबरोबर संवाद साधला पाहिजे अशी या ठिकाणी मी विनंती केलेली आहे। गोंदिया मुस्लिम माइनर ई ट्रस्ट रिंग रोड भवन ग्राउंड पर भव्य सामूहिक निकाह समारोह किया गया, जिसमें 21 जोड़ों का निकाह करा गया। निकाह में जरूरत की सभी सामान कमेटी द्वारा दिए गए। इस कमेटी ने 435 शादी करवाने की मिसाल कायम की है। इस कमेटी की ओर से प्रतिवर्ष होनहार मुस्लिम छात्र छात्राओं डॉक्टर उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सत्कार किया जाता है। इस समारोह में दावत में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महाराष्ट्र मध्य प्रदेश राज्य के मुस्लिम दूल्हा दुल्हन परिवार ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व सभापति घनश्याम पांताव ने पूर्व नगर अध्यक्ष कशिश जयसवाल, विधायक विनोद अग्रवाल, बंटी पंचबुदे, दीपक बोबड़े, सैयद असलम अली, साजिद खान, नवाज खान आदि का सत्कार भी किया गया। इस भव्य आयोजन की सफलता के लिए मुस्लिम शादी कमेटी के सदस्यों ने अथक प्रयास किया। जिस अवस्था में अपन थे और जिस प्रकार से समाज ने एकजुटता दिखाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर शासन की किसी निधि से हमारे लिए कोई चीज बनती है तो ये शासन का किया हुआ हम पर एहसान नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार है। आज शासन की तिजोरी में जितना पैसा है ये इस देश के सामान्य जनता के लिए है। बसंत सवाल यह होता है कि वह हम तक पहुंचेगा कैसे, और वह हम तक पहुंचाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख कर दिया है, उस संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी मांगने पूरी करने के लिए संसद में विधानसभा में नहीं जा सकता, स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं में नहीं जा सकता, उसे लोकतंत्र के आधार पर हमें एक जनप्रतिनिधि चुन करके भेजना होता है। और सिर्फ इसी काम के लिए उन जनप्रतिनिधियों को भेजा जाता है कि समाज में क्या गैप है, यह गैप कैसे भर जाएगी, कौन से समाज के तबके को ऊपर उठाना है, किनको किन चीजों की दिक्कत, इन्हीं चीजों के लिए लोकतंत्र के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, और उसी का अधिकार वह अधिकार वापर करके हम लोग अपनी जरूरतें और हम अपने अधिकार कर सकते। बीड पुलिस ने दिन दहाड़े फायरिंग करते कुख्यात गुंडों को महज 24 घंटे में दर दबोचा। मजरगांव तालुका के तलखेड़ में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे फिल्मी स्टाइल थ्रिलर देखने को मिला। घटना में एक व्यक्ति को गोली मार कर घायल कर दिया था। इसके बाद गुस्साई भीड़ ने बंदूकधारी की पिटाई कर दी, जो उसके बाद मौके से फरार हो गया। हालांकि बीड़ की स्थानीय अपराध शाखा ने गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के पास से धारदार हथियार के साथ पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। काल संध्याकाळी 6:15 सुमारास माजलगाव ग्रामीण पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये तालखेड हे जे आमचं बीट आहे त्या बीटच्या ठिकाणी एक घटना घडली, ज्यामध्ये स्कॉर्पिओमध्ये 4-5 इसम होते आणि त्यांनी तिथल्या एका स्थानिक तरुणावर गोळीबार केला। ही माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस आपले घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यानंतर तिथेच एक आरोपी हा ग्रामस्थांनी पकडून ठेवला होता, तो आरोपी ताब्यात घेतला आणि त्यानंतर तपास करून हे 5 आरोपी आम्ही आत्तापर्यंत जेरबंद केलेले आहेत।
ह्याच्यातला जो मुख्य आरोपी आहे गायकवाड नावाचा जो आरोपी आहे तो ह्या त्यावर ह्यापूर्वीसुद्धा MPDAची कारवाई ही करण्यात आली होती. ह्या टोळीचं अजून काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे का हे पण आम्ही तपासतोय. त्यासोबतच ह्याच्यामध्ये एक गावठी पिस्टल, त्यासोबतच 4 काडतूसं आणि काही धारदार शस्त्रास्त्र ही जप्त करण्यात आली आहे त्यांच्या स्कॉर्पिओ गाडीमधून. सुरुवातीला तरी तो तात्कालिक कारणावरनं झालेला प्रकार हा दिसतोय, परंतु तपासाअंतीच ह्याच्यामध्ये स्पष्टपणा येईल की नेमकं कुठल्या कारणामुळे हा गोळीबाराचा प्रकार घडला होता. ह्याच्यातला जो आरोपी आहे, जो मुख्य आरोपी आहे, तो 5 पैकी 3 आरोपी हे अटक झालेले आहे आणि त्यांचा 3 जूनपर्यंत PCR घेण्यात आलेला आहे. आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF और SDRF ने बाढ़ की स्थिति के कारण खतरे में पड़े लोगों को निकालने के लिए पारशिवनी तहसील कार्यालय के तालुका खोज और बचाव दल को प्रशिक्षित करने के लिए सोमवार को नवेगांव में पेंच बांध जलाशय में आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया, जहां आपदा की स्थिति में खोज और बचाव कार्य कैसे करें, नाव को कैसे संभालें और खुद को और नागरिकों को बाढ़ से कैसे बचाएं, इस पर मार्गदर्शन देकर प्रशिक्षण दिया गया. पेंच जलाशय में बढ़ते जल स्तर के कारण पेंच जलाशय के द्वार खोल दिए जाते हैं और पेंच नदी के माध्यम से कनान नदी में पानी छोड़ा जाता है. इससे कई गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. केंद्रीय और राज्य आपदा मोचन बल के NDRF और SDRF के जवानों ने सोमवार 30 दिसंबर को नवेगांव खैरी में पेंच बांध जलाशय में स्थित पारशिवनी तहसील कार्यालय का दौरा किया ताकि नागरिकों को उनकी जान बचाने और पीड़ितों को निकालने के लिए समय पर सहायता प्रदान की जा सके. प्राकृतिक आपदाएं तहसील कार्यालय कर्मचारी, वन कर्मचारी, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, तलाठी, कोतवाल, पुलिस विभाग, पोस्ट कनान और पारशिवनी पुलिस अधिकारी, सिपाही, पुलिस पाटिल आदि को आपदा की स्थिति में खोज और बचाव कार्य कैसे करें, नाव को कैसे संभाले और खुद को और नागरिक को बाढ़ से कैसे बचाए, इस पर मार्गदर्शन देकर रंग प्रशिक्षण आयोजित किया गया. इस अवसर पर तहसीलदार प्रशांत सांगड़े, बोर्ड अधिकारी जगदीश मेश्राम, कोतवाल, कृषि विभाग के किशन थोबरे, सिंचाई विभाग के अभियंता विशाल दुपारे, वन कर्मचारी सुरेश भोयर, सरपंच अधिकारी कनन थाने के कर्मचारी और पुलिस पाटिल सहित सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे. लगातार बारिश के कारण तोतलाडो और पेंच बांधों में बाढ़ की स्थिति बढ़ गई है और पेंच नदी के माध्यम से कनन नदी में पानी छोड़ने के लिए पेंच के 14 गेट खोल दिए गए हैं. इनमें पेंच नदी के किनारे सालई, कालाफाटा, नयाकुंड, बखारी, पिपला, गवना, गरंडा, नानगांव, एसम्बा और कनान के तट पर घाटरोना, जूनी कामठी, गादेघाट, टिपरी, सिहोरा, खंडाला, नीलज, सिंगरदीप, बोरी सिंगोरी शामिल है. समाजसेवियों व तहसील व जिला आपदा प्रबंधन दस्ते ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. देखिए न्यूज की दोपहर की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए न्यूज. नमस्कार.